हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि हम लिवर के बारे में बात करेंगे कि सोरासिस पेशेंट के अक्सर लिवर डैमेज क्यों होता है या लिवर के लेवल्स SGOT SGPT बिलीरुबिन क्यों बढ़ा होता है जिसकी वजह से उनको एग्रावेशन आ रहे होते हैं, और सोरासिस और लिवर में क्या लिंक है जिसकी वजह से सोरासिस हमारा एग्रावेट करता है, लिवर ख़राब होने की वजह से या लिवर लेवल डिस्टर्ब्ड होने की वजह से सोरासिस एग्रावेट करता है। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सोरासिस जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और आप सोरासिस में जो ट्रीटमेंट लेते हैं सबसे पहले लेते हैं स्टीरॉइड्स का या एंटी फंगल मेडिसिंस का या एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिंस का, तो उसकी वजह से भी लिवर पे असर आता है जिसकी वजह से आपके लिवर के लेवल्स जैसे SGOT SGPT बिलीरुबिन ये सब बढ़ जाते हैं। अगर आपने ये ट्रीटमेंट नहीं भी लिया है फिर भी लिवर के लेवल्स बढ़ रहे हैं तो वो क्यों बढ़े हो सकते हैं? क्योंकि हो सकता है आपको रिकरेंट लिवर इन्फेक्शंस हो रहे हो, या आपको कभी हिस्ट्री रही हो हेपेटाइटिस सी की या हेपेटाइटिस ए की, हेपेटाइटिस बी की, या आपको बहुत ज़्यादा जॉन्डिस होता हो जो आपको पता ही ना चलता हो, कभी टेस्ट ही ना कराया हो, या हो सकता है कि आपका खाना पीना इतना साफ नहीं है जैसे आप टैप वाटर पी लेते हो, तो पानी सबसे ज़्यादा लिवर को इन्फेक्ट करता है। हो सकता है आप खाना बिना धोए सब्जियाँ खा रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा मिर्चियाँ खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक फूड खा रहे हैं, या अनहाइजीनिक प्लेसेस पे आपके बर्तन धुल रहे हैं, या प्रॉपर आप धुले हुए बर्तनों में खाना नहीं खा रहे हैं, बिना बॉईल करा हुआ पानी पी रहे हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो लिवर के लेवल्स को बढ़ा देती है। या फिर हो सकता है आपका लिवर का मेटाबॉलिज्म बचपन से ही इतना वीक है, बचपन से ही इम्यूनिटी आपके लिवर को सपोर्ट नहीं कर रही है और लिवर वीक चल रहा है, या रिकरेंट आपको इन्फेक्शंस हो रहे हैं, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं जिसकी वजह से आपके लिवर के लेवल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसे में अब आपको क्या करना है, अगर आपका सोरासिस बढ़ता जा रहा है तो सबसे पहले आपको लिवर टेस्ट कराना है, जिसको हम लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, LFT बोलते हैं। उसमें आपके SGOT SGPT या बिलीरुबिन के लेवल्स हमें पता चलते हैं। अगर ये लेवल्स बढ़े हुए आते हैं तो उससे क्या होता है, जो भी ट्रीटमेंट आप सोरासिस का ले रहे हो स्टीरॉइड्स छोड़ के, या आयुर्वेदिक ले रहे हो या होम्योपैथिक ले रहे हो, तो उसमें आपको एग्रावेशंस मिलते हैं सोरासिस में, क्योंकि आप जो भी मेडिसिन खा रहे हैं वो लिवर के थ्रू ही एसिमिलेट हो रही है, आपके ब्लड में जा रही है और आपकी बॉडी पे एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर लिवर के ही लेवल प्रॉपर नहीं है, लिवर की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, तो बॉडी में उनका एसिमिलेशन कम हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है। तो ऐसे में पहले लिवर को ठीक करना पड़ता है, आप दवाइयों से या फिर आप सप्लीमेंटेशन से या अच्छे खान पान से अपने लिवर के लेवल्स को ठीक कर सकते हो, डाइट से ठीक कर सकते हो। हो सकता है फैटी लिवर की हिस्ट्री चली आ रही हो, आपके फैमिली में फैटी लिवर रहा हो, रिकरेंट लिवर इन्फेक्शंस होते रहे हों, आपको पता ना चला कभी, आपने टेस्ट नहीं कराया, जब डॉक्टर आपको बोलता है आप तभी टेस्ट कराते हैं, तभी हमें पता चलता है कि अंदर क्या हो रहा है। तो जैसे भूख ना लगना, बार बार उल्टी जैसा मन करना, या स्टूल्स बार बार होते रहना, या लिवर की साइड में दर्द होते रहना, ये भी एक इंडिकेशन होता है लिवर डिसीजेस का। तो अगर आपने लिवर टेस्ट नहीं कराया अब तक और आपको पता ही नहीं है कि लिवर के फंक्शन क्या है, तो इन सिम्टम से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिवर के फंक्शंस आपके डिस्टर्ब्ड हैं या नहीं हैं। और सोरासिस पेशेंट में अक्सर लिवर के लेवल डिस्टर्ब मिलते हैं, क्यों मिलते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपका सोरासिस बढ़ता जा रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आपको LFT कराने की ज़रूरत है, एक बार लिवर पे चेकआउट करने की ज़रूरत है कि आपका लिवर फंक्शनिंग प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा है। और सोरासिस पेशेंट में मैक्सिमम लिवर डिस्टर्बेंस मिलती है, उनका जो लिवर है वो बेटर टॉक्सिन्स को एलिमिनेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सोरासिस में एग्रावेशंस आती हैं और सोरासिस उनका बढ़ जाता है और वो टॉक्सिन्स ब्लड में ही घूमते रहते हैं। तो आप अपना LFT कराइए, और जिससे आपको पता चल सके या डॉक्टर्स को पता चल सके, आपका जो भी इलाज कर रहे हैं, चाहे हम कर रहे हैं चाहे कोई और कर रहा है, कि आपको जो इलाज दे रहे हैं वो आपको लग भी रहा है या नहीं लग रहा है, आपका लिवर ढंग से प्रॉपर काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, और आपका सोरासिस क्यों बढ़ रहा है। और अगर आपको सोरासिस जैसी कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से कंसल्ट करें, एक सही दिशा में सही इलाज लें, और अपने लिवर को भी बचाएं और अपना सोरासिस भी ठीक करें। तो आप हमें फ़ोटोज़ भेजिए, कॉल करिए और अपना सोरासिस जड़ से ख़त्म करिए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।